जय मसीह की। आइए आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह का वचन अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की शुरुआत करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें आज का दिन दिया। अनुग्रह मांगते प्रभु जी आप हमारे साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर। जब आपका वचन हम सुनते समझते पिता परमेश्वर, तो वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन को समझने के लिए, अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रभु जी आपकी विशेष सहायता मांगते। सुनने वालों की आंखें खुले पिता परमेश्वर, और मुझे बोलने के लिए आपकी कृपा दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आज की सुबह हम लोग जो वचन पढ़ने जा रहे वो है विपत्ति से आशा की ओर। जी हाँ, विपत्ति से आशा की ओर, क्योंकि इन दिनों सारी दुनिया और हमारा देश भी बहुत प्रकार की विपत्तियों को महसूस कर रहा है, बहुत प्रकार की विपत्तियों से गुजर रहा है। देश में भय का माहौल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तकरीबन खराब होती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा नाजुक अवस्था में अर्थव्यवस्था आ गई है। लोग बीमारियों के कारण काफ़ी सदमे में है, सकते में है, मुश्किलों में आ गए हैं। अब धीरे धीरे करके ऐसा डर लोगों के अंदर समा रहा है। अब उन्हें यो लगने लगा है कि अब कल क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। ये बहुत सोचना लोगों के लिए मुश्किल सा चला जा रहा है। और इस दौरान विश्वासी भी ऐसा ही सोचने लग गए हैं कि शायद हमारे साथ भी इतना बुरा होगा, इतनी मुश्किलों में हम चले जाएंगे। लेकिन कुछ बातें आज हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे, और ये बातें मैं चाहता हूँ कि इन बातों के द्वारा सचमुच आप में से प्रत्येक को हिम्मत मिले, शक्ति मिले, और हमें इन तमाम महामारी में, तकलीफों में, इन आर्थिक रूप से जब सब लोग मुश्किलों में चल रहे हैं, ऐसे हालातों में परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत दे, परमेश्वर का वचन आपको सहायता करे। इन विशेष बातों की तरफ हम आज अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे और इन वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 57, साम 57 वर्स 1-3। 57वां अध्याय 1-3 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता में जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। दो बार लिखा है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये आपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। वह मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई पर प्रकट करेगा। प्यारो, दरअसल ये दाऊद का भजन, जब वह शाऊल के डर से गुफा में भाग गया था, तब वह भजन को कहता है, लिखता है। और उस समय कुछ बातें इसके अंदर आई है। इन तीन आयतों को जब हम समझते हैं तो कुछ बातों को देखते हैं कि दाऊद दो बार कहता है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर और मैं तेरा शरणागत हूं जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए। ये जो विपत्तियां चल रही है, जब तक ये निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंख तले शरण लिए रहूंगा। प्रियो, ये एक ऐसी प्रार्थना दाऊद कर रहा है जो प्रार्थना उसके व्यक्तिगत जीवन को मजबूत करती है, सुरक्षा में लाती है, भयमुक्त कर देती है। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक प्रभु जी आप अपने पंखों तले मुझे शरण रखिए। मैंने कुछ कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया, ये सिर्फ तीन वचनों में। सबसे पहली बात शरणागत, इसको मैंने अंडरलाइन किया मेरे बाइबिल में, शरणागत। उसके बाद पंखों तले शरण, पंखों तले शरण। उसके बाद पुकारूंगा, पुकारूंगा। उसके बाद मैंने अंडरलाइन किया तीसरे वचन में, बचा लेगा। जी हाँ, ये वचन, इन लाइंस को अगर मैं एक बार पढूं एक साथ, जिनको अंडरलाइन किया है कि शरणागत, पंखों तले शरण, पुकारूंगा और बचा लेगा, ये दरअसल अपने आप में एक बड़ा संदेश हमारे लिए दे रहा है। क्योंकि विपत्तियां हमारे भी चारों तरफ है, हम सब विपत्तियों से घिरे हुए हैं, हम सब मुश्किलों में घिरे हुए हैं। और ऐसे हालातों में आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। सो हम इस विपत्ति के समय अपने आप को कहां देखते हैं, हमारे लिए जानना जरूरी है। हम इस विपत्ति के समय अपने आप को कहां देखते हैं और मेरा विश्वास क्या है? मैं अपने आप को कहां देखता हूं इन विपत्ति के हालातों में? क्या मैं दुनिया वालों के समान, संसार के समान, उनके बीच में अपने आप को देखता हूं, उनके जैसा मैं सोचता हूं, यह मेरा विश्वास कैसा है? यह हमें समझना है मेरे प्यारों। मैंने जो अंडरलाइन शब्द किए थे, वचन को फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, शरणागत। दरअसल ये प्रार्थना है हमारी,
क्या सचमुच हम परमेश्वर के शरणागत हैं? जैसे लिखा है कि जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए प्रभु, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। पंखों तले मैं तेरा शरणागत हूं। कहां शरणागत हूं? परमेश्वर के पंखों तले मैं शरणागत हूं। मतलब परमेश्वर के पंखों ने मुझे आड़ ले लिया है, मुझे छुपा लिया है, मैं शरण आ गया। शरण का मतलब ये होता है कि मैंने अपने हथियार डाल दिए हैं, मैंने अपनी सारी चीजें छोड़ दिया है, अब बस तेरे पास आया हूं। ये सोचकर कि अब मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, कोई मुझे नहीं बचाएगा, एकमात्र अंतिम सहारा आप बचे हो कि आप मेरी मुझे बचा लेंगे, इसे कहते हैं शरण आना। फिर हमने अंडरलाइन किया पुकारूंगा, प्रार्थना, पुकारूंगा। क्या आप दरअसल हर बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं? और पुकारने के दौरान भी क्या आपका विश्वास, जैसे तीसरे वचन में अंडरलाइन किया, परमेश्वर मुझे बचा लेगा, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। मेरे प्यारों, बाइबल हमें यह बात सिखा रही है कि मैं अपने आप को कहां देखता हूं? जब तक विपत्तियां टल ना जाए, परमेश्वर अपने पंखों के तले मुझे शरण रखना। क्या आप ये प्रार्थना कर रहे? क्या मैं ये प्रार्थना करूं? क्या कलीसिया आज ये प्रार्थना कर रही, या कलीसिया भयभीत हो चुकी है, मुश्किल घड़ी में आ चुकी है? हम सारे लोग मुश्किल घड़ी में आ चुके हैं। अब मेरा क्या हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, ये अर्थव्यवस्था इतनी चकनाचूर हो गई है, अब कुछ नहीं होगा, और कुछ महीनों के बाद और बुरे हालात हो सकते हैं। शायद ये सोच हमारी चल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने वचनों में बहुत से वादे करता है, और ये वादा नहीं, एक प्रकार से प्रार्थना है, और प्रार्थना में वादा सिखाती है कि हम जब तक विपत्तियां टल ना जाए, सचमुच परमेश्वर हमें टलने नहीं देगा। वो हमारे आंख को, हमारे पांव को, हमारे प्राण को टलने नहीं देगा, वो हमें बचा लेगा। शर्त यह है, क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मैं तेरे शरण? अपने आप कहां देखते आप, परमेश्वर के पंखों के नीचे देखते हैं, या इस संसार के ऊपर आप अपने आप को देखते हो, कि संसार के साथ अपने आप को देखते हो? कहां देखते हैं, मैं परमेश्वर के पंखों तले हूं या संसार में हूं? मेरा विश्वास क्या है, परमेश्वर मुझे बचा लेगा, ये मेरा विश्वास है, या फिर ये लोग मुझे बचा लेगी, पैसा मुझे बचा लेगा, परिस्थितियां मुझे बचा लेगी? ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि मैं कहां हूं और मेरा विश्वास क्या है। पंखों की जहां हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर के पंखों की, दरअसल पंखों तले शरण पाने का मतलब होता है कि प्रभु की सच्ची सुरक्षा को महसूस करना। पंखों तले शरण का मतलब है कि प्रभु की सच्चे प्रेम, सच्ची सुरक्षा, सच्चा अनुग्रह, सच्ची कृपा को महसूस करने को पंखों तले शरण पाना कहते हैं। आपने देखा एक उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस उदाहरण को अपने वचन में दिया था। कई बार आप तूफान के समय, बारिश के समय मुर्गी को देखिएगा, मुर्गी के बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को एक मुर्गी, मैंने एक दिन देखा, एक्चुअली ग्रेवयार्ड में गए थे हम लोग, और ग्रेवयार्ड में मैंने मुर्गी को देख रहा था, इधर मीटिंग चल रही, मेरा ध्यान उस मुर्गी की तरफ था कि क्या हो क्या रहा है मुर्गी के साथ। तो मुर्गी के बहुत सारे बच्चे थे, और बच्चों को उसने छुपा लिया अपने पंखों के नीचे। बहुत सारे भीड़ थी, बहुत सारे आवाजें आ रही थी, उसको लगा शायद तूफान है, कुछ तकलीफें हैं, अपने बच्चों को ले लिया। मैं जो सोचा कि एक या दो बच्चे हो गए उसके पंखों तले, फिर किसी ने उसको भगाने का प्रयास किया। जब मुर्गी को भगाने का प्रयास किया तो एक एक करके बच्चे निकलना शुरू हो गए उसके पंखों के तले। कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इतने सारे बच्चे उसके पंखों तले उसने कैसे छुपाई होगी। मुझे लगा एक या दो बच्चे हैं उसके ऊपर, बच्चे नहीं उसके पास में। जब वो निकलना शुरू हो गए तो कम से कम 10 से 15 के बीच में बच्चे थे, 10 से 15 के बीच में इतने सारे बच्चे कैसे छुपा ली, और एक बच्चा नहीं दिख पा रहा, पूरी मुर्गी ऐसी बड़े साइज में दिख रही थी, और मुर्गी ने छुपा ली, 10-12 बच्चे छुपा के रखी मुर्गी ने। कितना ये उदाहरण देखा तो मुझे अचानक वो वचन याद आया था कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है, वैसा परमेश्वर विपत्ति के समय हमें छुपा लेता है। पंखों तले छुपने का मतलब ही यह है कि प्रभु की सच्ची सुरक्षा के अंदर अपने आप को महसूस करना। बच्चे, मुर्गी के बच्चे भूल जाते हैं कि मैं कहा, बस मेरी माँ है, मेरी माँ ने मुझे पंखों तले छुपा लिया है, अब मैं सुरक्षित हूं। क्या कलीसिया परमेश्वर को अपने माता और पिता के स्वरूप में देखती है? क्या कलीसिया परमेश्वर को अपने पहरेदार के स्वरूप में देखती है? क्या कलीसिया परमेश्वर को अपने बचाने वाले, सुरक्षा करने वाले परमेश्वर के स्वरूप में देखती है? यदि देखती है तो मैं आपको बताता हूं कि आपका विश्वास बढ़ेगा। अपने विश्वास को मजबूत करके मैं चाहे कितना भी तूफान देश में आ जाए, कितनी भी विपत्ति संकट दुनिया में आ जाए, मैं अपनी आप को अपने परमेश्वर के नीचे, परमेश्वर के पास शरणागत रहूंगा। एक वचन पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था, और यह हमें पढ़ने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में।
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 मैथ्यू एंड वर्स 37 जहां इस प्रकार से लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा, अब सुनी प्रभु यीशु से कह रहे, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तूने ना चाहा। जैसे मुर्गी अपने बालकों को बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठी करती है, वैसे उस विपत्ति के समय मैंने भी चाहा कि तुमको भी इकट्ठा कर लूं, लेकिन तुमने ही नहीं चाहा। एक शिकायत है यहां पर यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह की कि तुमने भी नहीं चाहा मेरे पंखों तले आना, मेरा शरणागत बनना तुमने भी नहीं चाहा। क्या आज कलीसिया, क्या मैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें बचाएगा या परमेश्वर नहीं बचाएगा? परमेश्वर का तो खुला आह्वान है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें बचा लूंगा। खुला आह्वान है, आओ, जो कोई आएगा, जो विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको बचा लेगा, परमेश्वर अपने पंखों तले ले लेगा। किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, महामारी हो, दुर्घटना हो, बीमारी हो, लाचारी हो, धन की समस्या हो, या अन्य कोई समस्या क्यों ना हो, उसका खुला आमंत्रण है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपकी निगाहें किसकी ओर लगी है? आपकी निगाहें इंसानों की ओर, सरकार की ओर, लोगों की ओर, अस्पतालों की ओर, डॉक्टर की ओर, या धन की ओर किधर लगी हुई है, या फिर आपकी निगाहें परमेश्वर की ओर लगी हुई है? यदि आपकी निगाह परमेश्वर की ओर लगी है तो प्रभु कहता है, मैं तो कब का चाहता हूं कि मेरे पास आ जाओ, शरणागत आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में छुपा लूंगा। मुर्गी के समान हमारा परमेश्वर छुपाने की बात करता है। फिर हम भयभीत क्यों है? भयभीत होने का कारण क्या है? भयभीत होने का वजह क्या है? भयभीत होने की वजह कुछ बाइबल कहती है। बाइबल ये कहती है कि शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर अपना भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जिसने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है। कहीं ना कहीं जब हम मनुष्य पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तब हम अपनी आप को असहज महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, जब हम अपने आप का भरोसा मनुष्य के ऊपर हम लोग डाल देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे भरोसे को परमेश्वर के ऊपर में डालें, परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखें, सिर्फ कहने वाला नहीं, शब्दों वाला नहीं, व्यवहारिक हो, दिखाई पड़े कि मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर करता हूं, मैं अपना भरोसा किसी भी प्रकार के मनुष्य पर नहीं करता हूं। क्या वजह होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 56 में हम लोग चलेंगे, साम 56 एंड वर्स 11, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। सुनना, दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जी हाँ, और जब आप उस वचन को एक और उसी अध्याय में लिखा हुआ है, चौथा वचन चैप्टर 56 वर्स 4 ऐसा लिखा है भजन में कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। 11 वचन बोलता है कि मैंने प्रभु पर भरोसा रखा है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, और चौथा वचन बोलता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं डरूंगा नहीं, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर पर भरोसा हमारी सच्ची हिम्मत है, परमेश्वर पर भरोसा हमारी सच्ची हिम्मत है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, मैं डरूंगा नहीं। हमें डरने की जरूरत नहीं। दाऊद ऐसा निडर व्यक्ति था, डरता नहीं था, सिवाय परमेश्वर किसी इंसान को डरता नहीं था। आपने और मैंने ऐसा व्यक्ति बनना है कि हम परमेश्वर पर ऐसा भरोसा करें। तो अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हम मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है, जो व्यक्ति मनुष्य से डरता है वो परमेश्वर से नहीं डरता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है वो मनुष्य से डर नहीं सकता। जी हाँ, मनुष्य का मतलब यहां पर यह होता है कि हम ये विपत्तियां,
ये मुश्किलें, ये महामारियां, ये संकट, ये परेशानी, ये निंदा, ये पीड़ाएं, हमें इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। बाइबल का इतिहास गवाह है। बाइबल की एक एक 66 पुस्तकों का संग्रह हमारे पास रखा गया है। इसकी एक एक पुस्तक, एक एक घटनाएं हमें याद दिलाती कि हमने कितना परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको डर नहीं लगता है। हमें नहीं डर लगना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे उनके साथ कुछ नहीं होने का। उनको परमेश्वर बराबर छुपा लेगा, उनको परमेश्वर बचा लेगा और विपत्ति से पहले उनको उठा भी लेगा। ये परमेश्वर का वादा है, इसे हम ना भूले। ये शब्दों वाली बात नहीं है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये बात मेरे प्यारों महसूस करने वाली है, सुनने और सीखने वाली बात है कि मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है। वैसे बहुत उदाहरण बाइबल में है, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण बाइबल का है, दाऊद और गोलियत का। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए आया, गोलियत एक ऐसा पलिश्ती, इतना लंबा, इतना ऊंचा आदमी, उसे कोई हरा नहीं पा रहा। शाऊल के दरबार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उस गोलियत को, इस पलिश्ती को हरा पाए। एक छोटा लड़का दाऊद जाता है और दाऊद वो गोफन में पत्थर लेता है। दाऊद वो तलवार उठा के रखता है, शाऊल की वो जो मुकुट होता है वो उतार करता है, जूते उतार कर रख लेता है, बोले मुझसे इससे नहीं जमेगा। वो पत्थर लेता है, पत्थर मारता है। तो क्या तलवार प्रभावशाली थी या पत्थर प्रभावशाली था, या वो मुकुट प्रभावशाली था, वो जूते प्रभावशाली थे, या दाऊद की सादी चप्पल, स्लीपर चप्पल प्रभावशाली थी? हम वस्तुओं में प्रभाव ना ढूंढे। ना पत्थर में दम है, ना तलवार में दम है। गोलियत अगर हारता है तो किसी तलवार या पत्थर से नहीं, गोलियत हारता है दाऊद के विश्वास से। दाऊद का विश्वास ही यही था। दाऊद ने कहा, तू अपने देवता के नाम से था, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं, और उसी को तूने ललकारा है और वही तेरा सामना करेगा। वो पत्थर में इतनी ताकत नहीं थी, वो इतना बड़ा पलिश्ती, इतना मूर्ख नहीं था, लेकिन अगर गोलियत को हराया है तो गोलियत को परमेश्वर ने हराया है। दाऊद के अंदर जो परमेश्वर के प्रति विश्वास था, उस विश्वास ने गोलियत को हराया है। वरना हमारे पास कितने भी हथियार क्यों ना रहे, हम उससे शत्रु को हरा नहीं पाएंगे। हमारा विश्वास शत्रु को हराएगा। मेरे प्यारों, भरोसा था। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे जंगल में शेर और भालू से छुड़ाया है, वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत से भी, इस पलिश्ती से भी मुझे छुड़ाएगा। जी हाँ, ये भरोसा ही हमारी सच्ची हिम्मत होती है। इसलिए क्या हमारा भरोसा आज परमेश्वर पर है, इस बात को हमें आज सीखने और समझने की मेरे प्यारों आवश्यकता है। यदि ऐसा भरोसा आपके अंदर में है तो आप हर हालात को जीत सकते हो। हम तभी निर्बल हो जाते हैं, हम तभी कमजोर पड़ जाते हैं जब हमारा भरोसा वस्तुओं पर, मनुष्य पर और चीजों पर बढ़ जाता है। लेकिन हमने क्या प्रेयर सुना दाऊद की 57 में, वो कहता है कि जब तक ये विपत्तियां ना टल जाए प्रभु, मुझे अपना शरणागत रख ले। मैं तेरे पंखों की आड़ में छुपना चाहता हूं, मैं तेरे पंखों की आड़ में रहना चाहता हूं। क्या आज आप भयभीत हो रहे हैं? क्या आज आपके जीवन में वो समस्याएं चल रही है जो समस्याओं, इन समस्याओं ने आपको हरा के रख दिया? रात और दिन चिंता, परेशानी और पीड़ाओं में जीते हैं। स्वाभाविक है, ये हम जीते जरूर है, लेकिन बार बार जब हम बाइबल को देखते हैं, बार बार बाइबल के संदेश को देखते हैं, बार बार हम प्रभु यीशु मसीह के अपने चेहरे को उठाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि वो मुझे हिम्मत दे रहा है। आपको इतने महीनों के दौरान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने महीनों के दौरान, इतने दिनों के दौरान जब हम इस प्रकार की मुश्किल और तकलीफों का सामना कर रहे हैं, हमने एक बात सीखा है, अगर परमेश्वर है तो हमारी सुरक्षा है, अगर परमेश्वर है तो हमें खाना खिलाएगा। इतने महीनों के दौरान कोई मदद नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई विशेष कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर खड़ा रहा पीछे। परमेश्वर ने खिलाया, परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने सहायता किया। आपको किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो हमारी हिम्मत बढ़ाएगा, वो हमारी हिम्मत बढ़ाएगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा, ऐसा दाऊद कहता है। आपको और मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और हम डरेंगे नहीं। इसलिए आज जो विषय को हम देख रहे हैं कि विपत्ति से आशा की ओर, जरूर ये विपत्ति आपको एक ऐसी आशा की ओर तरफ ले जाएगी जो हमें सचमुच आशीर्वाद से भर देगी और विश्वास से भर देगी। ये जो विपत्ति हमारे जीवनों में होती है, विपत्ति हमारे अंदर
आशा निर्माण करती है। जी हाँ, विपत्ति आशा निर्माण करती है। आप कहेंगे कैसे आशा निर्माण होती है? जब विपत्तियां हमें चारों तरफ से घेर लेती है, क्यों घेरती है, हम क्यों विपत्ति में पड़ते हैं? कुछ भी बात जो हमारे साथ होती है ना, विश्वासियों के साथ कुछ भी बातें होती है, यूं ही नहीं होती है। एक बात जान लीजिएगा, यूं ही नहीं होती है, एक्सीडेंटली नहीं होती है, सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। एक एक बात को परमेश्वर से परमिशन लेना होता है हमारे जीवन में पहुंचने से पहले, हमारे जीवन में आने से पहले। यही विपत्तियां कई दफा कई बार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण आशा का निर्माण हमारे अंदर करती है। मैं साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, निकाल लेंगे रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, रोमन चैप्टर 5:3-5, 5वां अध्याय 3-5 तक पढ़ेंगे। देखें कैसी परमेश्वर विपत्ति में हमारे अंदर एक आशा निर्माण करता है और आशा क्या लाभ पहुंचाती है, इन बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। 3-5 जहां लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। पौलुस सिखा रहा है, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हम क्लेशों में भी घमंड करें। ये जो समय, ये जो टाइम चल रहा है, ये बहुत मुश्किल का घड़ी है, ये बहुत कठिन समय चल रहा है। बाइबल कह रही क्लेशों में भी घमंड करे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, सुनिएगा अभी, क्लेश से धीरज उत्पन्न होगा, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जी हां, क्या लिखा है वचन में कि क्लेश से धीरज, ये जो तकलीफें चल रही है, जो तकलीफ पीड़ा है, क्लेश चल रहा है, इससे धीरज आएगा हमारे अंदर में, धीरज उत्पन्न होगा। पता है जब जब तकलीफें पीड़ाएं समस्याएं चलती रहती है, तब तब हमारे जीवनों में एक मजबूती आती है, सहनशीलता आती है, सहनशीलता आती है, क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। यूं ही परीक्षा, हम खरे निकलते नहीं है, हमें वो तकलीफ से गुजरना पड़ता है। सोने को जब खरा सोना बाहर निकालना है, शुद्ध सोना बाहर निकालना है, तो उसे बड़ी आग पर तपाना होता है, उसे जलाना होता है, उसे शुद्ध करना होता है। वैसे ही खरा निकलता है, काहे से खरा निकलेगा कि धीरज से खरा निकलना होगा, क्लेश से धीरज आएगा, धीरज से खरा निकलना होगा। और खरा जब निकलेंगे आप, जब शुद्ध 24 कैरेट सोना जैसे बाहर निकलेंगे वो लड़ाई में से, ये धीरज में से, क्लेश में से, तो बाइबल बोलती तुम्हारे अंदर आशा निर्माण होगी। और आशा क्या करेगी, वचन में आगे लिखा है, आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। 5वां वचन बोलता है आशा से लज्जा नहीं होती। आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ेगा, ये आशा ऐसी मिलेगी आपको, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ेगा। लिखा है वचन में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, प्रेम डाला गया हमारे मन में, और इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होने वाली। मेरे प्यारों, विपत्ति आपको आशा निर्माण करवाएगी। ये जो संकट चल रहा है दुनिया में या कलीसिया पर या लोगों पर, ये आपके और मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण आशा, और आशा बहुत मायने रखती है। आशा से इंसान जिंदा रहता है, आशा से आदमी आगे बढ़ते रहता है। एक आशा होती है कि मेरे साथ एक बहुत बेहतर होने वाला है, अपने अंदर एक आशा डाले कि मेरे साथ परमेश्वर बहुत बेहतर काम करने वाला है, मेरे साथ परमेश्वर भलाई करने वाला है, परमेश्वर का मैं शरणागत हूं, वो मुझे छुपा लेगा और मेरे भीतर वो बहुत ही उत्तम बातें करेगा। लेकिन ये सिस्टम बनाया परमेश्वर ने, क्लेश से क्या निकलेगा, क्लेश से धीरज उत्पन्न होगा। पता है जब हमारे अंदर तकलीफें आती है, एक धीरज उत्पन्न होता है। डॉक्टर के पास बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लेने में बहुत तकलीफ होती है, वो इंजेक्शन लेना नहीं चाहते, उनको बहुत दर्द होता है, वो सोच सोच के ही सोचते हैं कि बहुत दर्द होता होगा। लेकिन कभी ऐसे सिचुएशन आते कि उसको जाना होता है, जाना पड़ता है और इंजेक्शन लेना होता है। अब होता यह है कि वो सिचुएशन आ गई जिससे वो डरता था, जिससे वो भागता था, अब ऐसी मजबूरी आ गई कि इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। और जब इंजेक्शन लेना है और हॉस्पिटल जब चले जाते हो और डॉक्टर के बीच और वो पेशेंट के बीच वो 5 मिनट का फासला होता है, अब इंजेक्शन 5 मिनट के बाद उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो उस 5 मिनट के दौरान वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेता है, भौतिक रूप से तैयार कर लेता है, यस अब इंजेक्शन मुझे लेना ही पड़ेगा, भले ही मुझे तकलीफ होगी। वो भीतर से एक अपने अंदर एक एनकरेजमेंट देता, मैं अपने आप को मजबूत करूंगा, अब कितना भी दर्द होगा तो मैं थोड़ा सहूंगा,
अब मैं महसूस करता हूं कि मैं दर्द को दर्द के ऊपर मेरी सहनशीलता बढ़ा दूंगा। एक धीरज उत्पन्न होता है उस 5 मिनट के दौरान, और जब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है उसे तकलीफ होती जरूर है, लेकिन जितना वो सोच रहा था शुरू से इतना तकलीफ होती होगी, इतने तकलीफ होती होगी, तो लेकिन जो उन 5 मिनट के दौरान जो उसके अंदर धीरज उत्पन्न हुआ, उस धीरज ने उस क्लेश को सहने की ताकत दिया, है ना। तब वो देखता है अच्छा हो गया, थोड़ा दर्द हुआ मुझे पर ज्यादा नहीं, मैंने सह लिया। उसने अपने मन को तैयार कर लिया क्लेश से धीरज, और धीरज जब आया तो धीरज में से खरा निकलना होता है। खरा निकला, यस, जो तू कहता था, जो तू सोचता था, जो मैं बोलता था वो सही निकला, मैं जो विश्वास करता था वो विश्वास सही निकला। हमारे साथ जो तकलीफें आएंगी ये तकलीफें हमें सिखाएंगी तुझे खरा निकलना है, विपत्ति में से खरा निकलना। यीशु मसीह के साथ उस 40 दिन में परीक्षा याद कीजिएगा, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा किया, लेकिन ये परीक्षाओं के दौरान प्रभु यीशु के अंदर वचन था, धीरज थी, सामर्थ्य थी, और उसने उस पर जय प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर जय प्राप्त कर लिया, आप और मैं भी जय प्राप्त करेंगे। तो खरा निकलना होता है, और खरे निकलने से क्या लिखा है वचन में, आशा उत्पन्न होती है। अब आशा होती है कि यदि परमेश्वर मेरे संग इस घटना में विश्वास योग्य रहा तो परमेश्वर आने वाली बड़ी घटना में भी विश्वास योग्य रहेगा, वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। एक आशा आएगी, परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। और 5वें वचन में क्या पढ़ा हमने कि आशा से लज्जा नहीं होती है, आशा से शर्मिंदगी नहीं होती है। आप किसी के सामने कह दीजिए बिल्कुल बिना डरे, मेरा यीशु मुझे बचाएगा। कहीं भी आपको मौका मिलेगा, अगर ये गवाही देने का मौका मिले तो जरूर बताइए मेरा यीशु बचा सकता है इस महामारी से, इस मुश्किलों से, इन पीड़ाओं से, इन आर्थिक संकट से, इस विपत्ति से, मेरा यीशु बचा सकता है। दानियल ने कहा मेरा यीशु बचा सकता है, शद्रक मेशक अबेदनोगो ने कहा कि मेरा परमेश्वर हमें बचा सकता है। यस, हर कोई वे लोग जो विपत्ति में पड़ते गए वो ये कहते रहे कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। आपको मेरे प्यारे जहां मौका मिले, जिस हालात में मौका मिले, ये विश्वास का अंगीकार करना मत छोड़ना। इससे आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, इससे आपको लज्जा नहीं होगी कि मेरा यीशु मुझे बचाता है। मेरे प्यारों, ये विपत्ति आपके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आशा निर्माण कर रही है। रोमियो 12:12 क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध वचन है कि आशा में आनंदित रहो। रोमन 12:12 में क्या लिखा है कि आशा में आनंदित रहो। हमारे पास क्या आशा है, उसमें खुश रहो। पता है सबसे बड़ी आशा क्या है, कल खाना मिलने वाला ये आशा है, कल मेरी शादी होने वाली ये आशा है। हाँ, ये आशा हो सकती है, पर इससे बेहतर और उत्तम आशा यह है, अगर आज रात यीशु प्रभु आ जाए तो मैं स्वर्ग में रहने वाला हूं, मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। यह बहुत बड़ी आशा है। इस आशा में आनंदित रहे कि मेरा यीशु मुझे लेने आने वाला है। शायद उनको नहीं लेगा जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने विश्वास किया तो मुझे लेने आएगा। इस आशा में आनंदित रहे, वचन बोलता है आशा में आनंदित रहो, फिर क्लेशों में स्थिर रहो। आज का टाइम कौन सा चल रहा है, क्लेश का, विपत्ति का, मुश्किलों का। इसमें डरने की जरूरत नहीं, इसमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, विचलित होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें स्थिर होने की जरूरत है। प्रभु का वचन सिखाता है क्लेशों में स्थिर रहो, मजबूत रहो। तरीका बताया परमेश्वर ने, क्लेशों से क्या होगा, धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा, और आशा से शर्मिंदगी लज्जा नहीं होने वाली। परमेश्वर आपको बेइज्जत होने से बचाना चाहता है इसलिए यह होने देता है, परमेश्वर आपको लज्जित होने से बचाना चाहता है इसलिए मुश्किल से गुजरने देगा, वो लज्जित नहीं होने देगा, वो आशा निर्माण करेगा आपके अंदर, और उस आशा से कभी भी आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। लिखा है वचन में आशा में आनंदित रहो, यस, या हमारी आशा है और इसमें खुश रहना है। क्लेशों में स्थिर रहो, और तीसरी बात बोली है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्या करना है हमें, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, लगातार प्रार्थना में बैठिए, प्रभु के साथ समय बिताइए। मेरे प्यारों, ये मुश्किल समय टल जाएगा और परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा। क्या प्रार्थना थी दाऊद की कि जब तक विपत्तियां ना टल जाए प्रभु मुझे तो अपने पंखों की आड़ में छुपा ले। अपने आप को कहां देखे, प्रभु यीशु के पंखों तले। अपने आप को कहां देखे, परमेश्वर के विशेष पवित्र सुरक्षा के स्थान में अपने आप को देखिए, सेफ जोन में देखिए, मैं परमेश्वर के सेफ जोन में हूं। भले ही आपके एरिया को रेड जोन घोषित किया गया हो, आपके एरिया को और ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन जो भी जोन में हो, लेकिन विश्वासी सेफ जोन में होते हैं, परमेश्वर के सेफ जोन में होते हैं।
जी हाँ, सेफ जोन में होते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, ये महामारी को लेकर नहीं, लेकिन मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं विश्वासी को, विश्वास को लेकर। चाहे कुछ भी हो बाहरी जीवन में हमारे साथ, भीतरी जीवन में बुरा नहीं होता हमारे साथ, भीतरी जीवन में बुरा नहीं होता। परमेश्वर आपको सेफ रखता है। मैंने आप अभी बताया शद्रक मेशक अबेदनगो को इतने कठिन वातावरण में सेफ रखा परमेश्वर ने, दानियल को सेफ रखा कि ये लोग विश्वास करते थे परमेश्वर पर, मूसा को सेफ रखा परमेश्वर ने, गिदोन को सेफ रखा। अब गिदोन की बात निकली है तो आपको गिदोन के बारे में आपको बताना चाहता हूं और हम समाप्त करेंगे। कैसे विपत्ति से आशा की ओर बढ़ते, 7 साल क्योंकि इसराइलियों ने पाप किया और 7 साल परमेश्वर ने इसराइलियों को मिद्यानियों के हवाले कर दिया। मिद्यानी लोगों ने इन पर हमले करना शुरू कर दिए, इन पर डेरे जमाते थे, इनको मारते थे। जब आप वर्णन पढ़ेंगे ना 7 साल का, तो आपको समझ में आएगा कि तकलीफ क्या थी, विपत्ति क्या थी, बराबर समझने का प्रयास करना पड़ेगा हमें। लिखा है वचन में कि इसराइली लोगों ने अपने गांव से भाग गए और चट्टानों में, दरारों में छिप के बैठे थे मिद्यानियों के डर के मारे। और जब जब ये खेतियां करते थे ना, खाने पीने के लिए खेतियां करते थे, जानवर लाते थे, तो लिखा है कि मिद्यानी लोग हमले करते थे। सोचना परिस्थिति क्या होगी, मिद्यानियों को गिन नहीं सकते। पता तुलना कैसे की मिद्यानियों की, मिद्यानियों की तुलना की टिड्डियों के साथ में, वे टिड्डियों के समान आते थे, झुंड का झुंड, गिन नहीं सकते थे। इतने सारे घोड़े थे, इतने सारे ऊंट थे, इतने सारे सिपाही उनके पास में थे, वो टिड्डियों के समान। टिड्डियों का झुंड बहुत खतरनाक होता है, ऐसे टिड्डियों के झुंड के समान वे आते थे और पूरी खेती बर्बाद कर डालते थे, पूरे घरों को नाश कर देते थे, जानवरों को नाश कर देते थे। और लोग सहमे थे, डरे थे कि अब बचना हमारा मुश्किल है। ये टिड्डियों के झुंड में हजारों 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 लाखों की संख्या में मिद्यानी आते थे, मानो कोई तूफान आ गया हो, तूफान चला गया हो, सब कुछ बर्बाद करके निकल जाते थे। ये मिद्यानियों का डर था और वे डरे हुए थे। ऐसे मिद्यानियों के डर से, डर के भीतर एक और जवान था गिदोन, और गिदोन भी अपने आप को छुपाने का प्रयास करता था। वो भी छिपता था, कुछ चीजों को छुपाने का प्रयास करता था, और गेहूं को भूसे को एक ऐसे गड्ढे में छुपाने का प्रयास कर रहा था। और उस समय उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। तो कहता, प्रभु संग होता तो ये विपत्ति क्यों हम पर आती है? अरे भाई, तुमने पाप किया है पर प्रभु तुमको बचाना भी चाहता है। कितनी, जब मैं बाइबल को ध्यान से पढ़ता हूं, फिर आप यिर्मयाह पढ़ लीजिए, एजेकल पढ़ लीजिए, पुराण नियम पढ़ लीजिए, नया नियम पढ़ लीजिए, होशे की पुस्तक में, हागै की पुस्तक में आप पढ़ लीजिए, ऐसी बातें सामने आती कि जहां विपत्तियां 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 आती है, और जैसे विपत्ति आई नहीं कि पीछे से उसका बचाव भी आना शुरू हो जाता है। ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर घाव देता है तो परमेश्वर जख्म भी भरता है, पट्टी बांधना भी परमेश्वर के हाथ में है। अब ये 7 साल की विपत्ति आई तो जरूर है, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा भी आ रही, परमेश्वर हल भी आ रहा है। गिदोन के पास हल आया, तो उठ, मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा इन लोग, तेरे लोगों को बचाने के लिए। तो गिदोन बहुत प्रकार की परीक्षाएं करता है कि ये परमेश्वर है या नहीं, सचमुच प्रभु मुझे बचाएगा या नहीं। इन सब बातों की बहुत सारी चीजें हो जाती है, वो उस बातों पर नहीं जाएंगे हम लोग। और फिर प्रभु कहता है, अब उठ, मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा तेरे द्वारा। लेकिन तुम बहुत सारे लोग हो, तकरीबन 32,000 लोग आ गए थे, 32,000 इकट्ठा हो। जब गिदोन ने बात किया कि प्रभु बचाने की बात करता है, प्रभु बोलता है गिदोन को, सुन, ये बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर मैं इन सबको भेज दूं, हालांकि उनसे ज्यादा नहीं है मिद्यानियों से, लेकिन भेज दूं तो कहेंगे कि हम इतने सारे लोग थे ना, हमारी शक्तियां इतनी थी, इसलिए हम लोग जीत गए, ये अपने पर महिमा लेंगे, और मैं अपनी महिमा किसी को देना नहीं चाहता हूं। तू इनसे पूछ ले, जिसको जिसको डर लग रहा है लड़ाई में जाने से, वो अपने अपने घर वापस चले जाए। लिखा है वचन में कि 22,000 लोग, 22,000 पीपल वापस चले गए, बचे 10,000। अब प्रभु कहता है, ये भी बहुत है, इनके द्वारा भी मैं तुझे जिताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर इनके द्वारा भी जिताऊंगा तो ये कहेंगे कि हमारी इतनी भीड़ थी ना, इसलिए हम लोग जीत गए। इनको पानी पीने के लिए सोते के पास ले चल। कुछ लोग, सब लोग गए पानी पीने के लिए, कुछ लोगों ने घुटने टेक के पानी पिए, और कुछ लोगों ने डायरेक्ट मुंह लगा के चपड़ चपड़ कर पानी पिया। तो परमेश्वर ने गिदोन को बोला, ये चपड़ चपड़ करके पानी कितने लोगों ने पिया? बोले 300 लोग, 300 पाए, 10,000 में से 300 निकले। बोले बस इन 300 काफी है, इन 300 के द्वारा मैं तुझे जितवाऊंगा। क्या आप सोच सकते हैं, विपत्ति इतनी भयंकर है, मिद्यानियों की गिनती नहीं कर सकते आप। वे टिड्डियों के समान आते थे, झुंड का झुंड होता था, गिनना मुश्किल था। इतने सारे लोगों को मात्र 300 लोग हरा पाएंगे?
क्योंकि हराने वाले 300 लोग नहीं थे। मैंने जब भी कहा हराने वाला दाऊद का गोफन नहीं था, हराने वाली तलवार नहीं थी, हराने वाला परमेश्वर था। विपत्ति तो आई है लेकिन एक आशा दे रही है, थोड़ा है तेरे पास, उस थोड़े के द्वारा मैं अपनी महिमा कराऊंगा। ये आशा है तेरे लिए, परमेश्वर ने आपके अंदर मेरे अंदर थोड़ा विश्वास, थोड़ी बातें, थोड़ी चीजें, थोड़ा जो कुछ रखा है, अगर राई के दाने भर बराबर भी है तो परमेश्वर चमत्कार करेगा, ऐसा लिखा है वचन में। इन 300 को लेकर ले जाया जाता है और हम बाइबिल पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक में 6 और 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं पूरी स्टोरी को कि किस प्रकार से परमेश्वर इन 300 के द्वारा उन तमाम मिद्यानियों पर जय प्राप्त करता है, अपने लोगों को बचा लेता है। मेरे प्यारों, ये वो परमेश्वर है जो आपको विपत्ति से एक आशा की ओर ले चलेगा, चाहे संकट जैसा भी हो, विपत्ति कुछ भी हो, आप थोड़े हैं, थोड़ा विश्वास है, थोड़ी चीजें, थोड़ी बातें, नो प्रॉब्लम। थोड़ी है ना, काफी है, थोड़ी है काफी है, क्योंकि थोड़ी चीजें, थोड़ी वस्तु, थोड़े काम बड़े नहीं होने वाले, इनके पीछे परमेश्वर काम करने वाला है। इन हालातों में जहां विपत्ति विपत्ति और विपत्ति, प्रत्येक दिन हम जो कुछ सुनते हैं वो विपत्ति के बारे में सुनते हैं। अखबार पढ़ो तो विपत्ति, टीवी खोलो तो विपत्ति, किसी से फोन पे बात करो तो विपत्ति, इसके अलावा कोई बातें नहीं होती। मेरे प्यारों, इस विपत्ति के हालात में परमेश्वर का आपको कह रहा है, एक आशा मैं तुझे दूंगा, एक आशा कि परमेश्वर के पास शरणागत रहे, वो तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा। जब मैं परमेश्वर भरोसा करता हूं, मैं डरूंगा नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्या आप और मैं आज परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं? अगर विश्वास कर रहे हो तो प्रभु आपको एक आशा की ओर ले चलेगा, एक नई आशा। आज अभी इसी घड़ी से परमेश्वर आपके अंदर नई आशा डालना चाहता है और इस आशा से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, आशा से आपको लज्जा नहीं होगी। आइए हम प्रभु के पास चले, हम उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है, प्रभु मुझे छुपा, मैं तेरे भीतर छुपना चाहता हूँ, मैं तेरा शरणागत आना चाहता हूँ, मैं तेरे हाथों में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी सुरक्षा में आना चाहता हूँ। मनुष्य से डरना नहीं चाहता हूँ, मैं संसार से नहीं डरूंगा, किसी बात से नहीं डरूंगा, बस तुझसे डरूंगा और तेरे पास रहूंगा। अगर आपका विश्वास है तो आइए प्रभु के नजदीक, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारे, वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, प्रभु हमें संभालिए जीवन के हर पल में। प्रभु जी अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभालिए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है, प्रभु जी आप हमें छुपाइए विपत्ति के समय, जब तक विपत्ति टल ना जाए, प्रभु जी हट ना जाए, प्रभु जी हमें आपके पंखों तले छुपाइए। पिता परमेश्वर, हम आपके शरणागत है प्रभु जी। प्रभु जब आप हमारे भरोसा है, आप हमारे स्वामी हैं, तो मनुष्य से हम डरेंगे नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। धन्यवाद प्रभु, तो अपने लोगों को, अपने भक्तों को विजय देता है, चाहे थोड़े क्यों ना हो। प्रभु आप हमें विजय देने वाले परमेश्वर हो, आप जो हमें आशा देते हैं पिता परमेश्वर, उसमें कभी हमें शर्मिंदगी नहीं होती है। प्रभु धन्यवाद कि इस विपत्ति के द्वारा आप हमारे भीतर एक नई आशा का निर्माण करने जा रहे हैं प्रभु जी, और ये आशा में हम आनंदित रहेंगे, ये क्लेशों में प्रभु जी हम स्थिर रहेंगे और नित्य लगातार तुझसे प्रार्थना करते रहेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर हमारा बचाव है, अगर परमेश्वर बचाएगा तो हमें कोई नाश नहीं कर पाएगा। हम धन्यवाद करते आपकी विशेष सुरक्षा के लिए प्रभु जी,
मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन और भाइयों के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, यदि आज वे टूटे हुए हैं, सहमे हैं, डरे हुए हैं पिता परमेश्वर, ये विपत्ति जो चारों तरफ चल रही है, उन्हें बहुत प्रकार का डर उन्हें सता रहा है, मैं निवेदन करता पिता परमेश्वर आपसे प्रभु, कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार गलत कदम ना उठाए। मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई गलत कदम ना उठाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी आत्महत्या की आत्मा, सुसाइड स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। सारी अविश्वास की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। सारे गलत काम करने वाली आत्मा, पापों को जन्म देने वाली आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों की रक्षा कीजिए, अपने लोगों की सुरक्षा कीजिए यीशु राजा, उन्हें हियाव दीजिए, हिम्मत दीजिए, रोने वाले के आंसुओं को पोंछिए पिता परमेश्वर, जो टूट गए हैं उनको हिम्मत दे यीशु राजा, जो बिखरने पर है उन्हें आप इकट्ठा कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर, केवल परमेश्वर बचा सकता है। हम प्रभु आपके शरणागत आते हैं मेरे बहन भाई, और हम सबकी प्रभु जी आप रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, आप में बने रहने के लिए। हम विश्वास करते कि विपत्ति जरूर टल जाएगी और एक उत्तम आशा हमारे लिए हमारा परमेश्वर निर्माण कर रहा है। हम धन्यवाद धन्यवाद स्तुति करते, आगे का संपूर्ण समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन।